आइए जी। दीपा मेरा नाम दीपा चौहान है, जी, बैंगलोर से आई हूँ। हाँ जी, क्या बनाया आपने? मैंने आज बनाए हैं कढ़ी चावल और सूप। कुछ स्पेशल इंग्रेडिएंट्स नहीं है, लेकिन उसमें प्यार जो है और जो सिंधियों का कढ़ी चावल से लगाव, हर संडे का कंफर्ट बोल और उसके बाद चैन की नींद। पूरा सिंध है जी, पूरा सिंध है। आलू टुक दें, कढ़ी चावल। ओए थोड़ी सी मीठी बूंदी भी है जो घर पे बनी है। मुझे ऐसा लगता है कि सिंधी खाने की पहचान थोड़ी कम है, लोग जानते तो हैं लेकिन मिलता नहीं है इजीली खाने को, True. तो यही प्रयास है कि सिंधी खाना और लोगों तक पहुंचे। मैं हमेशा कहता हूँ सिंधी कल्चर जो है, इट्स अ कल्चर ऑफ रेजिलियंस। सिंधी जब आए तो कैसे अपना घर छोड़ के सब जगह अपना घर बना लिया। मैं वही कहती हूँ कि हम कहीं के नहीं हैं लेकिन सब जगह के हैं। सिंध अपना पूरा माजी छोड़कर आए हैं और हमारे पास बस है यादें और हमारा खाना और ये अजरक, तीन चीजें रह गई हैं। आप शिकारपुरी सिंधी हैं? हमारी फैमिली एक्चुअली बलोची साइड से भी है। उनका बिजनेस बलोच में, घर शिकारपुर में और मिल्स कराची में, तो तीन जगह फैले हुए थे और इसीलिए परिवार बच पाया, क्योंकि क्वेटा में जब अर्थक्वेक हुई तो आधा परिवार नष्ट हो गया। बच्चे एक दो रह गए जो मेरी दादी के गोद में आए और दादाजी ने कहा आज से ये तुम्हारा बच्चा। फिर कराची में तो मतलब मिल्स वगैरह थी वो बंद हो गई, पार्टीशन में आ गए, थोड़ा सा जो भी था उनके पास जोड़ जाड़ के यहाँ ले आए। पंजाबी में एक गाना है, उसका एक उसकी एक लाइन है कि रावी तो चनाब पुछ दी की हाल है सतलुज दा। आज भी जो है वो नदियां जो है ना आपस में बात करती हैं। हाल क्या होती है? तो पार्टीशन के नहीं, और मेरी दादी भी इस उम्मीद से आई थी कि वो वापस जा सके और उन्हें लगा कि ये मैं सिंपल वाले चीजें ले जाती हूँ, मैं वापस आके अपनी अच्छी चीजें लूंगी, तो वो वही रह गई, दादी यहीं रह गई और बर्तन उनके बाद मेरे पास आ गया। पर शायद ये उनकी ब्लेसिंग्स ही हैं कि मैं खाना पका पाती हूँ अच्छा, एब्सोल्युटली। और क्या, और मेरी परनानी का रोटी का डिब्बा और उनकी खाने की थाली, मतलब मेरी मम्मी की नानी, उनकी रोटी का डिब्बा है मेरे पास। मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ कि मेरे पास कुछ ऐसी चीजें हैं मेरे पूर्वजों की, मेरे बड़े बुजुर्गों की। मेरी दादी जो पतीले लाई थी शिकारपुर से, उनमें आज भी मेरे घर में खाना बनता है। ये सब मुझे अपनी सिंधियत और अपनी सिंधी फूड से, सिंधी कल्चर से जोड़े रखता है। कई पुरानी तस्वीरें हैं, कुछ शिकारपुर की, कुछ मेरे एंसेस्टर्स की, तो वो देखती रहती हूँ और अच्छा लगता है उनसे जुड़े रहने का ये तरीका। मास्टर शेफ में आने का मेरा मेन कारण या मकसद यही होगा कि मैं सिंधी खाने को प्रमोट करूं और उसे ग्लोबल रिकॉग्निशन दूं। चलिए टेस्ट करें। आई ओह, एंड आई ऑल्सो लव इट हाउ यू गिवन इट अ मॉडर्न लुक, मॉडर्न अपील। आई होप द टेस्ट डजंट डिसअपॉइंट। अपने गार्निशिंग के लिए क्रिस्पी के लिए भिंडी, क्रिस्पी भिंडी, क्रिस्पी भैं, यानी के नदरू के चिप्स बोल दीजिए, लोटस स्टेम बोल दीजिए, सिंधी उनको भी बोलते हैं, भी वो नाक से आनी चाहिए आवाज। हेलो शेफ गरिमा। हेलो। आप बहुत बड़ी इंस्पिरेशन हो महिलाओं के लिए, पहला इंडियन विमेन्स मिशलिन स्टार। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत प्राउड फील करते हैं आपके लिए। थैंक यू सो मच दीपा जी। आप मुझे इंस्पिरेशन बोल रही हैं, हमने काफी ऑडिशंस करे हैं,
एंड इन ऑडिशंस के थ्रू अलग अलग सिटी से अलग अलग स्टेट से बहुत लोग अपना खाना लेके आए हैं पर आज पहली बार किसी ने सिंध को रिप्रेजेंट किया है प्लेट पे. आई एम ग्लैड आई कुड डू दैट. आप आज हमारे पास ऐसे फ्लेवर्स लेके आई हैं जिससे पहले कोई नहीं लेके आया एंड विद सो मच पैशन. दैट्स अमेजिंग टू सी. प्लीज मुझे पता है आपने यहाँ पे अपने सिंध को रिप्रेजेंट किया है बहुत सिंपल तरीके से किया है. क्या आपको लगता है कुछ ज्यादा सिंपल हो गया? गुड लक टू यू. मीठी बूंदी. हाँ इसके बगैर तो काम नहीं चलेगा. खटास के लिए क्या यूज किया आपने? टमाटर तो है ही. सिंधी में एक कोकम का फूल एक स्पेशल इंग्रेडिएंट है. इमली भी यूज कर सकते हैं वो सिर्फ खट्टी होगी. आपने इमली यूज किया है कि कोकम का फूल? कोकम का फूल यूज किया है. पक्की सिंधियाणी आए. दैट्स व्हाई आई आस्क्ड. कुछ लोग कहते हैं हम लाल वाली इमली यूज करिए एंड दे फील वेरी प्राउड ऑफ इट बट एक्चुअली लाल इमली या काली इमली से फर्क नहीं पड़ता. एक्चुअली कोकम का फूल. कोकम का फूल वो फ्लेवर कॉम्प्लेक्सिटी उसकी आती है. देखिए मेरे पास दो ऑप्शन है हाँ या ना पर मैं तीसरा ऑप्शन यूज करूंगा. बहुत बड़ी हाँ. थैंक यू शेफ. थैंक यू. नर्वस कर दिया आपने. मुझे कड़ी की कॉम्प्लेक्सिटी और उसको किस तरह आपने सिंपली द वे यू पुट इट टुगेदर आई थिंक वो बहुत खूबसूरत था. थैंक यू शेफ. दिखने में सुनने में तो आपकी डिश बहुत सिंपल है पर खाने में बिल्कुल नहीं थी. इसमें सबसे पहले जो आपने टेक्सचर्स के साथ खेला है मेरे को दिख रहा है आपने बहुत डेलिब्रेटली ये टेक्सचर्स यूज कर रहे हैं. टेक्सचर्स एक डिश में बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है और मोस्ट ऑफ द टाइम हम वो भूल जाते हैं. हम फ्लेवर पे ही ध्यान देते हैं बट माउथ फील जो होता है एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है खाने का. वो इतनी सिंपल डिश में भी था. थैंक यू. बैलेंस ऑफ फ्लेवर्स स्वीट सावर स्पाइसी उमामी bitterness all five flavors ek plate mein so perfectly balanced. I think mujhe bolne ki zarurat nahi hai meri taraf se to haan hai. Thank you chef Karima. Thank you. Congratulations. Thank you. Aap mujhe dekh ke lag raha hai ki you are on a mission. Main chahta hu ki aapke dwara sindh ka khana ye khana har jagah pahunche kyunki aapka jo namak hai na wo bhi dil ko chhu raha hai. मल्टी डायमेंशनल सॉल्ट का फ्लेवर आ रहा है. खटास भी एक लेवल की खटास नहीं है उसमें भी लेयर्स. सो सिंपलिसिटी इज सुप्रीमेसी जो आज आपने इस प्लेट में दिखाया है. सो मेरी तरफ से तो बिल्कुल हाँ है. थैंक यू शेफ. थैंक यू सो मच. यानी कि हम सब की तरफ से हाँ है. यू आर गोइंग अहेड. कांग्रेचुलेशन. थैंक यू सो मच. ये मुझे सिंध. दैट्स द मास्टर शेफ एप्रिल. आई एम सो ऑनर्ड. कांग्रेचुलेशंस. थैंक यू. मास्टर शेफ सारी दुनिया में खाने को पहचान देते हैं पर आज आपने सिंध के खाने को पहचान दी है इस प्लेटफॉर्म पे. आई थिंक यू शुड बी वेरी प्राउड. योर फैमिली शुड बी वेरी प्राउड ऑफ दिस. थैंक यू शेफ. सी यू ऑन द नेक्स्ट स्टेप ऑफ मास्टर शेफ. थैंक यू. जी सिंध मत घोरिया पेंजी जिन पांजे अबाणे वतन का अबाणे. सिंधी खाना रेस्टोरेंट्स में मिले होटल्स में मिले यही मेरा सपना है और शायद ये जरिया बनेगा मेरा सपना पूरा करने का.